सब खाना खा रहे थे लेकिन ऐना को कोई भूख नहीं थी क्योंकि उसने पाया जो बच्चा अपने पिता के साथ गया था। वो गायब हो गया था। उसने अपने प्रेमी से पूछा कि बच्चा कहाँ गायब हो गया है। पिता ने जवाब दिया कि बच्चे ने उसकी नाफरमानी की थी इसलिए उसने उसे मार दिया। ये सुनकर ऐना सुनने पड़ गई लेकिन पिता ने समझाया कि यह एक खेत की तरह है, बेकार फसल को फेंक दो और अच्छी फसल को छोड़ दो। ये सुनकर ऐना डर गई और तुरंत टॉयलेट में आ गई, फिर उल्टी करने लगी। लेकिन जब ऐना शौचालय को फ्लश करने वाली थी तो वो उसके सामने दृश्य से दंग रह गई। शौचालय खून और पानी से भरा था। करीब से देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐना इतना डर गई कि वो जोर से चिल्लाने लगी, फिर दरवाजे की ओर भागने लगी लेकिन पूरा परिवार दरवाजे पर पहले से ही खड़ा था। फिर उन्होंने एक खुश चेहरे के साथ कहा, वे हमेशा ऐसा करते हैं, जितना अधिक उसने सुना उतना ही वो डर रही थी। वो पुलिस के पास जा रही थी लेकिन उसके प्रेमी ने उसे खींच लिया। तभी जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी तो पुलिस फौरन वहाँ पर आ गई लेकिन उन्होंने दूसरों को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्होंने सुंदर लड़की ऐना को ही गिरफ्तार कर लिया। इसका कारण ये था कि ऐना ने अपने प्रेमी एक दर्जन से अधिक लोगों के परिवार को मार दिया था। पड़ोसियों ने हंगामा सुना और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें शव जमीन पर मिले। वहां पर लड़ाई के संकेत थे। घर के दराज में उन्हें 30 से अधिक बच्चों की सफेद हड्डियां मिली। इस समय ऐना पहले से ही भ्रमित थी। मैं सभी को प्यार में सावधान रहने की सलाह देती हूँ। सिंगल भी होना अच्छा है, ये बहुत भयानक है।